हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय मी। तो इन वीडियोस में हम डिस्कस क्या करते हैं, आपके वर्ड पावर मेड इजी के जो हमारा समरी है उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोग डिस्कस कर चुके थे अप टू सेशन 23। ठीक है, तो आज हम सेशन डिस्कस करेंगे 24 एंड 25 और उसके बाद उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी उसके वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माई सेल्फ। आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अन अकेडमी पर इन सभी टीचर्स से और अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको 10% का डिस्काउंट अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो कि अन अकेडमी पर प्लान्ड हैं। आपका ये 18 मई से हमारा ये कोर्स शुरू हुआ है जिसमें हम लोग पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और RC ये तीन टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर आप CGL या फिर CHSL 2020 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भी आप 24 मई से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लोग कंप्लीट ग्रामर पढ़ेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप फर्दर क्वेरी है आपकी कोई, या फिर अगर आपका कुछ और भी सवाल है रिलेटेड टू डिस्काउंट या किसी भी अन्य चीज़ से, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं 8299117042। मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैसेज का जवाब जरूर दूं। ये नंबर आपको नीचे स्क्रॉल में भी दिख रहा होगा तो वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसके अलावा एक और चीज़ है, PDF के लिए आप लोग, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा @AmanTrivedi जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे जो आपका लिंक जो है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर ही आपको PDF मिलेगी, वहाँ पर भी आपको इस क्लास का लिंक मिलेगा और मेरी जितनी भी क्लासेस या कोर्सेज होते हैं उनका लिंक्स आपको वहीं पर मिलता है, तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करेंगे आज के अपने वीडियो को। तो इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस स्पीच हैबिट्स। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि कैसे लोग बोलते हैं, बोलने से रिलेटेड जो भी स्पीच हैबिट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं उन सभी का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्पीच हैबिट्स यानी कि जिस तरीके से बोलने की तरीका है, जो भी बोलने से रिलेटेड रूट वर्ड्स हैं, जो बोलने से रिलेटेड वर्ड्स हैं, उन सबका डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वर्ड्स के साथ में और पहले रूट वर्ड के साथ में। तो पहला वर्ड और पहला रूट वर्ड हमारा क्या हो जाता है, दैट इज टैशियो। ठीक है, टैशियो मीनिंग हो जाता है आपका टू बी साइलेंट। क्या अर्थ हो जाता है इसका, शांत रहना, बिल्कुल साइलेंट रहना। इसी से वर्ड आपका क्या बना, टैसिटर्निटी। मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर किसी वर्ड में ITY सफिक्स होता है, तो वो क्या बनता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। यहां हमने क्या लिखा, टैसिटर्निटी। टैसिटर्निटी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। मीनिंग हो जाता है द टेंडेंसी टू नॉट से वेरी मच। टेंडेंसी टू नॉट से वेरी मच, अगर इसी का अगर आप एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, टैसिटर्न। इसी का और आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओ तो टैसिटनेस हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हो जाता है ये भी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा हिज टैसिटर्निटी वॉज अनब्रोकन, यानी कि उसकी जो टैसिटर्निटी थी, वो जो नहीं बोलने की आदत थी, दैट वॉज अनब्रोकन, वो नहीं टूट रही थी। सिनोनिम्स के तौर पे आप देख सकते हो रिजर्व्ड, रेटिसेंट, साइलेंट। एंटोनिम हो जाएगा ब्लैबी, चैटी, कम्युनिकेटिव, लोकेशियस, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाते हैं। आपका काम ये है कि आप कमेंट में मुझे एक सिनोनिम इसका और एक एंटोनिम लिखकर बताएंगे। ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, आप एटलीस्ट एक सिनोनिम और एक एंटोनिम अपने एंड से ढूंढ के टैसिटर्निटी का लिखकर बताएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल इसको याद करा दूंगा, आप बिल्कुल इसको भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सभी, आप में से कुछ लोगों ने शायद देखी हो, अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, वेब सीरीज आई है पाताल लोक। तो पाताल लोक का जो ये कैरेक्टर है हथौड़ा त्यागी, पूरी मूवी में इसका कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक डायलॉग है, दैट इज आपका एक डायलॉग है जिसमें वो अपना नाम बताता है, हथौड़ा त्यागी या विशाल त्यागी, जो अपना नाम बताता है। इसके अलावा और कहीं पर भी उसका कोई डायलॉग नहीं है। सो दिस कैरेक्टर इज टैसिटर्न। ठीक है, इसी व्यक्ति को हम टैसिटर्न कहेंगे और जो हैबिट है ना बोलने की, दैट इज कॉल्ड टैसिटर्निटी। समझ में आई बात, तो टैसिटर्न और टैसिटर्निटी समझ में आ गया, टैसिटर्निटी और टैसिटर्न याद रखेंगे, इसको बिल्कुल भूलेंगे नहीं। आई थिंक इस इमेज से और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में मुझे जरूर बताना, अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज डू शेयर द वीडियो जिससे कि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और भी लोग इससे सीख पाएं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया, आप चाहते हैं इस तरीके से हम वोकैबलरी में
और इमेजेस और मीम्स इस तरीके से हम इंक्लूड करें तो प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो। अब देखो इसी से एक और एडजेक्टिव हमारा बनता है टैसिट। टैसिट का मतलब क्या हो गया? अंडरस्टूड ऑल्दो नॉट पुट इन टू वर्ड्स, यानी कि समझ लिया जाए जबकि उसे शब्दों में ना बयां किया गया हो। तो सिनोनिम हो जाएगा इम्प्लाइड मीनिंग, इम्प्लिसिट मीनिंग, अनएक्सप्रेस्ड, एंटोनिम हो जाएगा एक्सप्रेस्ड या फिर स्पोकन। एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव अ टैसिट एग्रीमेंट दैट इफ आई वॉश द डिशेज शी ड्राइज देम एंड पुट्स देम अवे। कहने का मतलब हुआ कोई लिखित नहीं, हमारा एक टैसिट एग्रीमेंट है। जैसे ऐसा होता है ना कई बार, जैसे मम्मी चली जाती है तो हम डिसाइड कर लेते हैं भाई बहन में कि मैं बर्तन धोऊंगा और आप बर्तन लगाओगे। तो ये जो हमारे बीच में एक म्यूचुअल एक टैसिट एग्रीमेंट होता है ना, जो कि बिना कहे और बिना कहीं लिखे हमारे एक एग्रीमेंट हो जाता है, एक हम आपस में एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड टैसिट। ठीक है, तो टैसिट का मतलब जो ना कभी कहा गया और ना ही लिखा गया लेकिन वो समझ में है। जैसे इट शुड बी टैसिट फॉर टैसिट, देयर शुड बी टैसिट एग्रीमेंट बिटवीन अस दैट इफ आई एम पोस्टिंग द वीडियो यू आर लाइकिंग एंड शेयरिंग इट, सो इट शुड बी अ टैसिट एग्रीमेंट। समझ में आया? चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या बनता है? टैसियो से ही। इसका मतलब भी क्या है? साइलेंट। री मतलब हो जाता है अगेन। आप सभी को पता है किसी भी शब्द के आगे आर ई लगेगा तो वो क्या हो जाता है? री। अब देखिए रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या है? एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या हो जाता है? अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, जो चीजों के बारे में लोगों को नहीं बताता है। ये शब्द इंपॉर्टेंट क्यों है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके एसएससी ने पूछा है आपके सीजीएल 2019 में, सॉरी सीजीएल 2018 में। रेटिसेंट मतलब जो कम बोलता है और कम बोलने की हैबिट होती है उसे हम कहते हैं रेटिसेंट। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लोज, क्लोज माउथ, डार्क। एंटोनिम हो जाएगा कम्युनिकेटिव, ओपन या लोकेशियस, जो बहुत बातें करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा हर हस्बैंड इज बाई नेचर अ रेटिसेंट पर्सन एंड शी रिजाइंड हर सेल्फ टू दैट फैक्ट लॉन्ग एगो, यानी कि हर हस्बैंड अपने नेचर के हिसाब से बहुत ही रेटिसेंट है, बहुत ही अनविलिंग है बोलने में, एंड वो इस चीज को बहुत पहले ही उसने फैक्ट को समझ लिया है। तो नाउन इसका बन जाएगा रेटिसेंस। मैंने आप सभी को बताया है अगर ई एन सी ई हमारा सफिक्स आता है किसी वर्ड में तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो रेटिसेंस क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेटिसेंस बिल्कुल सिंपली याद रख सकते हो, आपका कुछ कुछ होता होगा आपको ये कैरेक्टर याद होगा। पूरी मूवी में इसका भी कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ एक ही बार बोलता है जब ये बोलती है आई एम गोइंग, तो तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ, तो एक बार बोलता है बाकी कहीं नहीं बोलता, दिस इज ऑल्सो रेटिसेंट। तो इसे भी आप याद रख सकते हो रेटिसेंट, और आपका इसके पहले हमने क्या सीखा था? टैसिटन। ठीक है, तो दोनों ही आपके याद हो गए होंगे। मैंने फिर से कहूँगा अगर आपको समझ में आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अपना रिएक्शन जरूर बताना कि अगर आपको ये चीज़ ठीक लगी या नहीं। ठीक, अब देखो अगला वर्ड है आपका लोकर। ये आपका इस रूट वर्ड हो जाता है लोकर। मीनिंग क्या होता है? टू स्पीक, बोलना। मीनिंग इसका हो जाता है बोलना। वर्ड क्या बना? लोकेशियस। मैंने आपको पिछले के पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी वर्ड में ओ यू एस हमारा सफिक्स आता है तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो वर्ड क्या आया? लोकेशियस। मीनिंग क्या हो जाता है? टॉकिंग अलॉट, जो अपने जो बहुत बातें करता है, जो बहुत बोलता है उसे हम कहते हैं लोकेशियस। सिनोनिम हो जाएगा ब्लैबी, चैटी, कन्वर्सेशनल, और एंटोनिम हो जाएंगे हमारे क्लोज माउथ्ड, लैकोनिक या फिर रिजर्व्ड, जो कम बोलता है लैकोनिक है, रिजर्व्ड है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हिज लोकेशियस गुड ह्यूमर इन्फेक्टेड एवरीवन, यानी उसका जो लोकेशियस, जो बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, गुड ह्यूमर था, उसने सभी को प्रभावित किया, सभी से उससे बहुत प्रभावित हुए। ठीक, देखो पिछले अभी हमने पिछले एक स्लाइड में बताया था कि आई टी वाई लगता है तो क्या बनता है? नाउन, लोकेसिटी, और एन ई एस एस लगता है तो भी क्या बनता है? नाउन। तो लोकेशियसनेस भी क्या हो जाएगा? नाउन। दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो लोकेशियस क्या हो गया? रेटिसेंट और टैसिटन का एंटोनिम हो गया। लोकेशियस मतलब जो बहुत बातें करता है। ठीक है, तो आपको याद होगा ये कैरेक्टर फ्रॉम मूवी जब वी मेट। जब वी मेट का ये कैरेक्टर याद है? प्रीत कितना बोलती है, पूरी मूवी में बोलती रहती है लगातार। सो दिस इज लोकेशियस कैरेक्टर, जो बहुत बोलता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक, तो याद रखेंगे ये कैरेक्टर, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है आपका सोलिलोक्यू। ठीक, तो सोलिलोक्यू मतलब सोलो, सोलिलोक्यू, लोक्यू, लॉकी मतलब क्या हो गया? टू स्पीक, और सोलो मतलब क्या हो गया? अलोन, अकेले। तो सोलिलोक्यू मतलब हो गया स्पीच इन प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज और हर थॉट्स, यानी कि स्पीच या फिर प्ले, किसी प्ले में, किसी मूवी में, किसी नॉवल वगैरह में, कहीं पर भी कोई एक जो कैरेक्टर है वो एक सोलिलोक्यू देता है, मोनोलॉग देता है। सोलिलोक्यू का सिनोनिम हो जाएगा मोनोलॉग।
तो सॉलिलॉक्यू देता है, मोनोलॉग देता है, जिसमें वो अकेले बोलता है और एक लंबा सा एक पूरा भाषा टाइप दे देता है अपनी बात को कहने के लिए. दिस इज कॉल्ड मोनोलॉग या फिर सॉलिलॉक्यू. ठीक, अगर किसी भी वर्ड में IST लगता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कॉमन नाउन. ठीक है, तो यहाँ पर इसी में आ गया सॉलिलॉक्विस्ट, मतलब हो गया कॉमन नाउन, द वन हु स्पीक्स या हुज कैरेक्टर हु स्पीक्स लाइक दैट. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो हैमलेट सॉलिलॉक्यू इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस इन इंग्लिश ड्रामा. सिनोनिम इसी का, अगर किसी में IZE लगता है या ISE लगाते हो तो वो क्या बनता है, वर्ब. ठीक, तो सॉलिलोकाइज मतलब करना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया इसी का. ठीक है, अब देखिए इसी से आपका, अब इसका इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, दो बहुत बहुत फेमस से आपके मोनोलॉग्स हैं जो आपने देखा हो. हैदर मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें एक कितना बड़ा सा मोनोलॉग होता है, हम हैं कि हम नहीं, हम हैं तो हम कहाँ, ये वगैरह वगैरह जो आपका पूरा मोनोलॉग है. तो दिस इज़ व्हाट सोलोलॉग. या फिर आपका जैसे जो वेंसडे मूवी में जो कॉमन मैन, इसका जो एक मोनोलॉग है कि मैं वो हूँ जो आज बस और ट्रेन वगैरह वगैरह, जो ये पूरा मोनोलॉग है, तो दिस इज़ ऑल्सो सोलोलॉक्यू या फिर मोनोलॉग आप इसे कह सकते हो. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा वर्ड आता है आपका लोकर. लोकर से ही इसका मतलब क्या है, स्पीक. इसमें रूट वर्ड आपका क्या आया, वेंट्रे या फिर वेंट्रिस. वेंट्रे या फिर वेंट्रिस का मतलब क्या होता है, बेली यानी पेट. तो वेंट्रीलोक्विस्ट, वेंट्रीलोक्विस्ट क्या होता है, मैंने अभी क्या बताया था, आईएसटी लगेगा तो क्या बनेगा, कॉमन नाउन. ठीक है, तो वेंट्रीलोक्विस्ट, वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब क्या हो जाता है, अ परफॉर्मर हु प्रोजेक्ट्स द वॉइस इनटू अ वुडन डमी. यानी कि आप उसे कह सकते हो, अ परफॉर्मर हु स्पीक्स फ्रॉम टमी या हु स्पीक्स फ्रॉम बेली. कहने का मतलब, आपने इस तरीके के आर्टिस्ट देखे होंगे कई बार इंडियाज गॉट टैलेंट वगैरह में भी आते हैं, कि आप क्या देखते हो कि ये कैरेक्टर जो है ये बोल रहा होता है और इसका मुंह नहीं चल रहा होता है. बेसिकली ये डॉल है, ये नहीं एक्चुअली में बोल सकती है. बोल क्या रहा है, बोल तो यही कैरेक्टर रहा है. तो ये जो वेंट्रीलोक्विस्ट है इसी को कहते हैं. वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब हो गया जो इस तरीके की आर्ट फॉर्म प्रेजेंट करते हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट. ठीक है, अब देखो वेंट्रीलोक्विस्टिक, अगर इसी में आईएसटी में आईसी लगा दो तो एडजेक्टिव बन जाता है, या वेंट्रिलोक्यूल इसे भी एडजेक्टिव में आ जाएगा. फ्रैंक शोज हिमसेल्फ टू बी द ओनली वेंट्रिलोक्विस्ट टू मूव हिज लिप्स बट नॉट हिज टीथ. यानी वो एक अपने आप को एक ऐसा वेंट्रिलोक्विस्ट बताता है जो कि अपने टीथ नहीं मूव करेगा, सिर्फ लिप्स मूव करेगा. ठीक है, इसके लिए भी सिंपली याद कर सकते हो दिल है तुम्हारा मूवी का एक ये कैरेक्टर था, जिमी शेरगिल का, पहली मूवी बहुत पहले आई थी, अगर आप में से कुछ लोगों ने शायद देखी हो, अगर देखी है तो कमेंट में जरूर बताना मुझे कि अगर आपने ये मूवी देखी है. दिल है तुम्हारा प्रीति जेंटा की है और शायद अर्जुन रामपाल आई एम नॉट श्योर, बट है प्रीति जेंटा और जिमी शेरगिल जरूर है. तो ये क्या है, इसमें वेंट्रीलोक्विस्ट है, क्योंकि ये इस कैरेक्टर, ये जो अपने हाथ में डॉल लिए रहता है, ये इसका मुंह चलाता है और ये बोलता है, तो पता नहीं लगता है कि कौन बोल रहा है. दिस आर्ट फॉर्म इज कॉल्ड वेंट्रीलोक्विस्ट. आई होप यू हैव गॉट इट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा लोकर, मतलब क्या है, स्पीक. अब देखो इसी में आपका वर्ड आ रहा है कॉन, कॉल, कॉम या कॉर, मतलब क्या होता है, विद या टुगेदर. ये बहुत ध्यान से समझ लो. देखो कोलोकियल क्या है, कोलोकियल, कोलोकियल क्या है, एडजेक्टिव. कोलोकियल का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज और कन्वर्सेशन. जैसे क्या है कि कन्वर्सेशनल इनफॉर्मल, एंटोनिम हो जाएगा बुकिश, फॉर्मल, लर्नड या लिटररी. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, इट मे बी वेरी कोलोकियल एंड द वॉइसेज आर ऑफन डिस्टॉर्टेड. सिनोनिम कोलोकियलिज्म, ISM लगाओ तो नाउन बन जाएगा. समझ लो क्या है कोलोकियल. कोलोकियल का मतलब है कि हम बोलने में कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कोलोकियल कहते हैं. एग्जाम्पल देखो, जैसे कोलोकियल लैंग्वेज क्या है, आप सभी लिखते हो ना तो बोलते हो कॉज, आई एम हियर कॉज यू आर टीचिंग वेल. तो कॉज मतलब क्या है, बिकॉज. आई एम गोना लाइक द सेशन, तो गोना मतलब गोइंग टू. व्हाट्सअप हम बोलते हैं, मतलब क्या होता है, हाउ आर यू डूइंग. फैम मतलब फैमिली, या यस मतलब यस हो जाता है. आई डोंट नो इसका मतलब आई डोंट नो. ना या फिर नो मतलब नो. वट एवर मतलब यू कैन डिसाइड, आई डोंट हैव अ प्रिफरेंस. सो ये जो टर्म हैं हमारे, दीज आर कोलोकियल टर्म्स. इन्हें क्या कहते हैं, कोलोकियल, मतलब ऐसे टर्म्स जिन्हें हम स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कोलोकियल टर्म्स कहते हैं. कोलोकियल मतलब रिलेटेड टू स्पीकिंग टर्म्स. समझ में आ गई होगी आई थिंक बात अभी तक, क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते, समझ में आया तो कमेंट में मुझे जरूर बताना. ऑल्सो प्लीज शेयर द वीडियो, शेयर करो जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये पहुंचे. अगला वर्ड हमारा क्या है, सरकम और लोक. सरकम लोकन, देखिए सरकम लोकेशन, लोकेशन मतलब TION लगता है तो नाउन, लोकन मतलब स्पीक, सरकम मतलब अराउंड, मतलब घुमा फिरा के कहना, किसी बात को घुमा फिरा के कहना. याद है ना वो गाना लक्ष्मी मूवी का,
इसी बात को जरा तुम घुमा फिरा के कहो, तो क्या करके कहो, सरकम लोकेशन करके कहो, ठीक है, याद होगा लक्ष्य मूवी का, याद है तो कमेंट में बताना कौन सा गाने की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हो जाएगा, अ स्टाइल दैट इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स। सरकम लोकेशन का मतलब होता है वो तरीका जिसमें आप अपनी बात को इनडायरेक्ट तरीके से एक्सप्रेस करते हो, इज कॉल्ड सरकम लोकेशन। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इक्विवोकेशन, शफल करना, टर्गिवरेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हो, ही इज अ मास्टर एट सर्कुलेशन, यानी कि वो घुमा फिरा के अपनी बातों को कहता है। सर्किम लोकेटरी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा है, सर्कम लोकेशन आपको याद होगा हम लोगों ने 22 मार्च को क्या किया था, जनता कर्फ्यू। तो ये क्या है, सीधे सीधे कह देना, बात को घुमा फिरा के कहना, सर्कम लोकेशन करना तो क्या है, जनता कर्फ्यू। समझ में आया, सो दिस इज आपका सर्कम लोकेशन, ठीक है। इसी को हम इलोजिज्म भी कहते हैं, यूलोजाइज करना। यूलोजाइज क्या हो जाएगा, वर्ब, क्योंकि देखो आई जेड ई लगा है तो वर्ब हो जाएगा, और इसी का मुझे नाउन नाउन बनाना होगा तो क्या कर दूंगा, इलोजिज्म, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है आपका लैकोनिया। लैकोनिया मतलब क्या होता है, स्पार्टन। लैकोनिया मतलब अलग रहना, तो लैकोनिसिटी मतलब हो जाएगा ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच, मतलब बहुत कम बोलता है लेकिन जितना बोलेगा अच्छा बोलेगा। नाउन एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हो, नाउन लैकोनिज्म, लैकोनिकनेस, ठीक है। तो आपका लैकोनिया मतलब, लैकोनिसिटी मतलब ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच, कम बोलने का तरीका, ठीक है। तो बहुत कम बोले लेकिन अच्छा बोले, दैट इज कॉल्ड लैकोनिसिटी, दिस इज एडजेक्टिव, ठीक। और इसी का नाउन बन जाएगा लैकोनिक, कॉमन नाउन बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हो, आपको असुर मूवी का ये कैरेक्टर याद होगा, ठीक है। पूरी मूवी में बहुत कम डायलॉग्स थे इसके, लेकिन जितने डायलॉग्स थे एक एक डायलॉग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था, और जितने कम शब्द बोलते थे लेकिन जितना शब्द इसने बोले हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे बोले हैं। आपको याद ही होगा ये डायलॉग कि भविष्य का ज्ञान तो श्री कृष्ण को भी था लेकिन युद्ध के विनाश को वो भी नहीं रोक पाए। तो ये क्या लैकोनिक है, मतलब बहुत कम बोला है पूरी मूवी में लेकिन जितना बोला बहुत अच्छा बोला, और बहुत ही अच्छा अच्छे अच्छे डायलॉग्स इसके हैं। तो याद होगा अगर असुर वेब सीरीज देखी हो, मूवी नहीं, असुर वेब सीरीज नहीं देखी तो देख लेना, अच्छी है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या है वर्ड, कोगो। कोगो का मतलब क्या होता है, टू ड्राइव टुगेदर, टू ड्राइव टुगेदर। इससे वर्ड क्या आता है आपका, कोजेंट। क्या आता है, कोजेंट। कोजेंट मतलब क्या होता है, स्ट्रांग एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट पीपल बिलीव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग एंड बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस्ड, और इस तरीके का रीज़न, इस तरीके की बात कहना जिससे कि लोग आपकी बात को मान लें, ठीक है। तो जैसे आई शुड गिव कोजेंट रीजन्स टू मेक यू लाइक दिस वीडियो, यानी कि मुझे एक आपको वैलिड रीज़न, आपको इस तरीके से कन्विंस करना है, इस तरीके से क्लियरली एक्सप्रेस करना है कि आप इस वीडियो को पसंद करें। सिनोनिम क्या होगा, कंपेलिंग, कंक्लूसिव, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनकंक्लूसिव या इनडिसाइसिव। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, शी प्रोड्यूस्ड कोजेंट रीजंस फॉर द चेंज ऑफ पॉलिसी, यानी कि उसने बहुत ही वैलिड रीजंस दिए, ठीक है, ऐसे रीजन जो कन्विंसिंग हो। एडजेक्टिव के तौर पे कोजेंसी इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। अब देखो सिंपल सा याद रखो, कोजेंट आपको याद होगा रामायण मूवी का ये सीन, जब बाली को रामायण राम जी मारते हैं और वो पीछे से अटैक करते हैं उसको मारने के लिए, ठीक है। तो क्या बाली ने क्या कहा, गिव मी अ कोजेंट रीजन व्हाई यू किल्ड मी फ्रॉम बिहाइंड, व्हाई यू अटैक मी फ्रॉम बैक, तो क्यों आपने पीछे से हमला किया, सामने से हमला क्यों नहीं किया, तो इसके लिए मुझे एक कोजेंट रीजन दो, मतलब एक कन्विंसिंग रीजन दो जिससे कि मैं कन्विंस्ड हो जाऊं कि हाँ आपने सही किया। एंड ही लेटर गेव दैट रीजन, तो कोजेंट रीजन मतलब कन्विंसिंग, और ऐसा रीजन जिससे कि बिलीव किया जा सके, जो बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो। समझ में आ गया, भूलोगे तो नहीं कोजेंट, ठीक है। पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा क्या है, लोकर से ही आ रहा है, इसी में वर्ड आया ई, हमने प्रीफिक्स लगा दिया ई या फिर ई एक्स, मतलब हो गया आउट। तो इलोक्वेंट, इलोक्वेंट स्पीकर मतलब एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ रेडिली क्लियरली इफेक्टिवली। तो इलोक्वेंट मतलब होता है जो अपनी बात को बहुत अच्छे से कह पाए, आपका इसे आप कह सकते हो गिफ्ट ऑफ गैब, इसके लिए इडियम याद कर लो, गिफ्ट ऑफ गैब, मतलब बोलने की कला, बहुत अच्छा बोल सकता है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है खुद को, दैट इज कॉल्ड इलोक्वेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा, आर्टिकुलेट, फ्लुएंट, एंटोनिम हो जाएगा इनआर्टिकुलेट या इनइलोक्वेंट या अनवोकल। एग्जाम्पल के तौर पे आप ध्यान रख सकते हो, साइलेंस इज मोर इलोक्वेंट देन वर्ड्स, यानी कि
कम बोलना, शांत रहना शब्दों से ज्यादा काम करता है। तो eloquent का मतलब हुआ कि the one to express yourself very clearly, बहुत अच्छे से बोलना, बहुत क्लियर बोलना, इज कॉल्ड इलोक्वेंस। ठीक है, इसी का नाउन अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें इलोक्वेंस ENCE लगा दूंगा तो ये हमारा नाउन बन जाएगा। ठीक है, अब इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता मोदी जी से। ठीक है, सो व्हेन ही स्पीक्स सो क्लियरली एंड ही स्पीक्स सो कन्विंसिंगली दैट हम उनकी हर बात को बहुत मान लेते हैं और बहुत ही कन्विंस्ड हो जाते हैं। सो ही इज़ अ वेरी इलोक्वेंट स्पीकर, ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर हु स्पीक्स वेरी गुड इन अ वेरी गुड मैनर एंड हु कन्विंसेज एवरीवन थ्रू हिज वर्ड्स। तो इलोक्वेंट मतलब हो जाता है बहुत ही कन्विंसिंग होना, बहुत ही अच्छा बोलने की कला होना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड आपका क्या है, मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट मतलब क्या हो जाता है, स्पीकिंग इन और कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई फ्लोन ऑफ एन बम्बास्टिक स्टाइल और मैनर, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताता है शब्दों को, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को बहुत हाई फ्लोन बना दे, बहुत ज़्यादा मैग्नस मतलब लार्ज और लिक मतलब स्पीक, मतलब जो अपनी बात को इस तरीके से एक्सप्रेस करे जो बहुत ही बम्बास्टिक लगे, बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लोन लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, उसे कहते हैं मैग्नीलोक्वेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो, नीज ऑफ डेथ ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स अपीयर्स टू हैव बीन ग्रेटली मैग्नीलोक्वेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ाई चढ़ा के बताई जाती लग रही है। मैग्नीलोक्वेंस देखो ENCE लगाया, क्या बन गया, नाउन। ठीक है, अब इसी का दूसरा वर्ड आपका आ जाता है ग्रैंडीलोक्वेंट। तो ग्रैंडीलोक्वेंट का मतलब क्या हो जाता है, लॉफ्टी इन साइज। लॉफ्टी इन साइज का मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है साइज में, ग्रैंड है। मैग्नीलोक्वेंट और ग्रैंडीलोक्वेंट दोनों एक ही मतलब है, अपनी बात को बहुत ही ब्रैग करना, बॉम्बास्ट करना, ब्लस्टर करना, बढ़ा चढ़ा के बताना बेसिकली। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो, हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ ग्रैंडीलोक्वेंट लैंग्वेज बट इट कंटेंट नो न्यू आइडियाज, यानी कि उसकी स्पीच में बहुत बड़े बड़े शब्द, बहुत बड़े बड़े वादे तो जरूर थे लेकिन कोई नया आइडिया नहीं था। अब देखो ENCE लगा दिया तो क्या बन गया, नाउन, ग्रैंडीलोक्वेंस। ठीक है, सिंपली याद रख सकते हो मैग्नीलोक्वेंट या ग्रैंडीलोक्वेंट के लिए ट्रम्प्स आपको, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं बट एक्चुअली कॉन्क्रीट कुछ ऐसा होता नहीं दिखता है, तो मैग्नीलोक्वेंट या ग्रैंडीलोक्वेंट के लिए आप इन्हें याद रख सकते हो बहुत ही सिंपली। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है हमारा वर्बोस। तो वर्बोस या फिर वर्बोस का मतलब हो जाता है यूजिंग और कंटेनिंग टू मैनी वर्ड्स, जरूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। ठीक है, गैरुलस टॉकेटिव उसे कहेंगे वर्बोस। एंटोनिम हो जाएगा कॉम्पैक्ट, कंसाइज, क्रिस्प, लैकोनिक, रेटिसेंट उसे कह देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं, हिज राइटिंग इज डिफिकल्ट एंड ऑफन वर्बोस, यानी उसकी राइटिंग जो है लिखावट बहुत डिफिकल्ट है और कई बार वर्बोस है जो कि बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल होता है। नाउन हो जाएगा वर्बोसिटी एंड एडजेक्टिव हो जाएगा वर्बोसनेस। ठीक है, दूसरा हो जाता है वॉल्यूबल। वॉल्वो या फिर वॉलंटियर से आता है टू रोल। वॉल्यूबल का मतलब हो गया मार्क्ड बाई अ रेडी फ्लो ऑफ स्पीच, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव, बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला, जैसे प्रीत का कैरेक्टर बताया था तो वो भी ये वॉल्यूबल आ जाएगा, वही ये भी वही कैरेक्टर है जो बहुत बोल रहा है, पट 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 कर रहा है ज़्यादा। सिनोनिम क्या हो जाएगा, आर्टिकुलेट, फ्लुएंट। एंटोनिम हो जाएगा मम, म्यूट या फिर साइलेंट। ही बिकेम वेरी वॉल्यूबल एंड टोल्ड हर एवरीथिंग। नाउन क्या है, वॉल्यूबिलिटी एंड वॉल्यूबलनेस। ठीक है, चलिए सो लेट्स कीप इट टिल हेयर। आई होप अभी तक जितना बताया समझ में आया हो का आपको। एक बारी क्विक रिवीजन देख लेते सारे वर्ड्स का, मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। ठीक है, जस्ट क्विक रिवीजन होगा। वॉल्यूबल बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वर्बोस बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, मैग्नीलोक्वेंट ग्रैंडीलोक्वेंट मतलब भव्य बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना, ब्रैगेडोशियो यानी कि जो फेंक रहा है और कॉन्क्रीट कुछ नहीं है, इलोक्वेंट आपको याद हो गया होगा बहुत अच्छा स्पीकर होना, कॉजेंट मतलब वैलिड रीजन देना, बहुत ही ऐसा रीजन जो कि कन्विंसिंग हो, लैकोनिक कम शब्दों का प्रयोग लेकिन अच्छे शब्दों का प्रयोग, सरकम लोकेशन मतलब घुमा फिरा के कहना, और आपका इसके अलावा कोलोकियल मतलब होता है जो शब्द फॉर्मल वे इनफॉर्मल वे में बोलने के लिए जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कोलोकियल वर्ड्स, वेंट्रिलोक्विश जो इस तरीके की आर्ट फॉर्म रखता है, सोलिलोक्वी या मोनोलॉग अकेले एक व्यक्ति का जो डायलॉग होता है उसे कहते हैं, लोकेशियस जो बहुत बोलता है आपका, और रेटिसेंट जो कम बोलता है आपका, इसके अलावा टैसिट हो गया कम बोलने मतलब बिना शब्दों का जो आप समझ लिया जाए उसे कहते हैं टैसिट, और टैसिटर्न आपको याद हो गया जो कम बोलता है। ठीक है, सो लेट्स कीप इट टिल हेयर। आपको अगला वीडियो जल्द ही मिलेगा इसी चैनल पर, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। PDF के लिए अगर आप लोगों ने ये टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।
तो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा अनअकैडमी पर आप मेरे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8299117042 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और ये मेरा रेफरल कोड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।